हेलो गाइस, बॉलीवुड टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय तारक मेहता में रत्नावली वाला एपिसोड का चैप्टर क्लोज हो चुका है और ये एपिसोड तारक मेहता के बाकी एपिसोडों की तरह काफी इंटरेस्टिंग और फनी रहा। लेकिन इस एपिसोड में कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी तक समझ में नहीं आ पा रही हैं। तो चलिए जानते हैं उन कॉमन सेंस की सेंसिबल बातों को। इस एपिसोड में जब रत्नावली की एंट्री होती है तो उसकी सबसे पहली मुलाकात पत्रकार पोपटलाल से होती है। तो रत्नावली पत्रकार पोपटलाल के प्यार का टेस्ट तो मात्र एक मिनट में कर लेती है, लेकिन गोकुलधाम के बागी मर्दों का टेस्ट करने के लिए वो पूरा एक दिन लेती है। सभी मर्दों को पूरे एक एक दिन के लिए लॉकेट पहनने के लिए देती है। रत्नावली शुरुआत में बोलती है या तो लॉकेट का कलर ब्लैक होगा या रेड। ओके, ठीक है। लेकिन जब वो महिला मंडल को सभी लॉकेट दिखाती है तो उसमें से कुछ लॉकेट तो ऑलरेडी ब्लू, येलो और रेड होते हैं। उस समय भी रत्नावली यही बोलती है या तो लॉकेट ब्लैक होगा या रेड। रानी के पति का अफेयर है तो ब्लैक और नहीं है तो रेड। लेकिन उस समय भी गोकुलधाम की कोई भी महिला उससे ये नहीं पूछती है कि ये लॉकेट कुछ तो रेड है और कुछ ब्लू है, कुछ ग्रीन है और कुछ वाइट है। स्ट्रेंज यार, पहले कुछ और बोला और एंड में कुछ और। इस वाले सीन में जब सभी पुरुष पत्रकार पोपटलाल को लॉकेट का सीक्रेट जानने के लिए घेर लेते हैं, लेकिन पोपटलाल उन्हें चकमा देके भाग जाता है। तो सभी पुरुष बताते हैं कि उन्हें उनकी बीवियों ने लॉकेट कैसे पहनाया। और इसमें हाथी भाई बोलते हैं कि कोमल ने उनसे कहा था कि वहाँ पर लॉकेट टेस्ट में खाने का भी इंतजाम होगा। तो इस लालच में हाथी भाई ने वो लॉकेट पहन लिया। कोमल ने भी कहा था कि हाँ, वहाँ पर खाने का इंतजाम होगा। लेकिन अगर आपने लास्ट एपिसोड देखा है तो उसमें खाने का कोई भी इंतजाम नहीं था। सभी लोगों ने डांस पार्टी इंजॉय करके चले गए थे। हाथी भाई के साथ धोखा। इस सीन में आप देखेंगे कि जब रत्नावली अगले दिन सोसाइटी में आती है तो उसके पास कोई और कार होती है, लेकिन इससे पहले जब वो सोसाइटी में आती है तो उसके पास कोई दूसरी कार होती है। ये चीज़ आप अगर चाहे तो पिछले एपिसोड में देख सकते हैं। भाई, एक ही दिन में कार चेंज। जब रत्नावली सभी का लव टेस्ट करती है और एक एक करके सभी को स्टेज पर बुलाती है, तो रत्नावली जानबूझ के किसी के लॉकेट का कलर कहीं ग्रीन करती है, कहीं येलो करती है और कहीं रेड करती है। ये बात तो आप सभी को पता ही है। लेकिन इसके साथ ही मुझे एक बात जाननी है कि जब रत्नावली सभी के लॉकेट्स के कलर खुद चेंज करती है तो उसके पास इतने सारे स्प्रे कहाँ से आए? उसके हाथ में मात्र एक ही स्प्रे था। एक ही स्प्रे से उसने सभी के लॉकेट के कलर चेंज कर दिए। लेकिन जब जेठालाल की बारी आई तो उसी के टाइम पे उसका स्प्रे ख़त्म हो गया था। मात्र तभी उसने अपना स्प्रे चेंज किया था। तो ऑब्वियसली यार, उसने एंड में कहा था कि ये सब उसके स्प्रे का कमाल है, लॉकेट का नहीं। तो हम लोगों ने तो उसे स्प्रे चेंज करते हुए भी नहीं देखा। मात्र जेठालाल के टाइम पर ही उसने अपना स्प्रे चेंज किया था। और भाई, एक टाइम तो ऐसा आया कि जब सोडी के लव टेस्ट में तो उसने उसका लॉकेट ही तोड़ दिया। तो भाई, ये सब क्या यार, पहले बोला था रेड ब्लैक, फिर ब्लू वाइट ग्रीन ब्लैक, और एंड में तो उसने लॉकेट ब्लास्ट कर दिया। रत्नावली ने जब पोपटलाल का लव टेस्ट किया उस समय कोई मैजिकल वर्ड नहीं, लेकिन जब सब मर्दों का किया तो अजीब सा मैजिकल वर्ड, रंग छुपाए दिखा दे, मनु की बात बताते पता नहीं क्या क्या। ओके, रत्नावली ने बताया था कि जो भी वो लॉकेट का टेस्ट करती है उसमें लॉकेट का कोई कमाल नहीं होता है, वो सभी अपनी साइकोलॉजी से करती है। यानी कि जब भी उसे किसी भी पुरुष पर विश्वास नहीं होता या फिर ओवर रिएक्ट करता है या फिर लॉकेट का टेस्ट नहीं करवाता है तो वो जानबूझ के उसके लॉकेट का कलर ब्लैक कर देती है। इसीलिए उसने जानबूझ के जेठालाल के लॉकेट का कलर ब्लैक किया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा था और टेस्ट कराने से मना कर रहा था। भाई, हद होती है यार, अगर जेठालाल ने टेस्ट कराने से मना किया था तो मेहता साहब ने भी तो कितना मना किया था। यहाँ तक कि उन्होंने एंड में कह दिया था कि उनका लॉकेट खो चुका है। जेठालाल से ज़्यादा ओवर रिएक्ट तो मेहता साहब ने किया था, तो रत्नावली ने मेहता साहब के लॉकेट का कलर ब्लैक क्यों नहीं किया? और भाई, यहाँ तक कि मेहता साहब ने तो ये भी कह दिया था कि उनका लॉकेट कहीं बाहर गिर चुका है, फिर भी रत्नावली ने उनके लॉकेट का कलर पिंक कर दिया और बेचारे सीधे साधे निर्दोष जेठालाल का लॉकेट का कलर ब्लैक कर दिया। भाई, रत्नावली जब सब कुछ अपने साइकोलॉजी यानी कि मनोवैज्ञानिक ढंग से चेक करती थी तो उसने गोकुलधाम की महिलाओं को ये क्यों नहीं बताया कि इसमें लॉकेट का कोई कमाल नहीं होता है? कम से कम मर्दों को नहीं तो महिलाओं को तो बता ही सकती थी कि इसमें लॉकेट का कोई कमाल नहीं है, तो उन्हें ये लॉकेट पहनाने में इतनी दिक्कत भी नहीं होती। तो बेफालतू में गोकुलधाम की महिलाओं को टेंशन देने की क्या ज़रूरत थी भाई? ये महिलाओं को छोड़ देते हैं, पर उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड बबीता तक को ये नहीं बताया कि वो ये सब अपनी साइकोलॉजी से करती है। लेकिन अगर वो चाहती तो ये सब पहले ही गोकुलधाम की महिलाओं को बता सकती थी। लेकिन नहीं भाई, स्टोरी तो आगे खींचनी पड़ेगी। रत्नावली जब फर्स्ट टाइम बबीता से मिलने उसके घर आती है तो उसके घर की डेकोरेशन और लुक कुछ और होता है,
लेकिन जब वो सेकेंड टाइम बबीता से मिलने आती है तो उसका घर कुछ और ही होता है। ये कैसे हुआ भाई? सो गाइस, रत्नावली के एपिसोड के बारे में यही रिव्यूज़ हैं। अगर आपने इसके अलावा भी कोई और बात नोटिस करी है तो आप वो अपने कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। आपको ये वीडियो की जानकारी कैसी लगी ये बात भी अपने व्यूज़ अपने कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। और इसके साथ ही अगर आपने हमारा चैनल बॉलीवुड टॉकीज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उस पर प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करें आपके पास पहुँच जाए। Subscribe to Bollywood Talk, find for more updates.